मेरी नई है इस गेम में रोज आप लोगों को रेस अनलॉक मिलती है। रोज आप लोग एक नई एक महंगी गाड़ी से खेल सकते हो, तो उसी में मेरे को ये एमजीडी मिली है। खेलने को ये मेरी मैंने परचेस नहीं किया है। लेकिन आज की वीडियो को पूरा जरूर से देखना, लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक नई गाड़ी परचेस करने वाले हैं। और भाई मैं बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने इसमें गोल्ड कॉइन्स कमाए हैं। आप लोग अगर इसे खेलते हो तो आप लोगों को पता होगा इसमें गोल्ड कॉइन्स कमाना, गोल्ड कॉइन्स तो जो भी अभी रुको पहले यहाँ से बच गया, अभी डूब जाता मैं। लेकिन आप लोग अगर इसको खेलते हो तो आप लोगों को पता होगा इसमें कॉइन्स कमाना कितना ज़्यादा हार्ड है। अभी रेस भी जीत गया मैं, कहीं इतनी जल्दी रेस भी जीत गया मुझे पता नहीं चला। लेकिन हाँ अभी आप लोगों को पता चल जाएगा हर रेस जीतने पर कितना ज़्यादा खतर, मतलब कितने ज़्यादा कम इसमें भाई कॉइन्स मिलते हैं। तुम्हारे भाई ने यार पता एक महीने पहले वीडियो डाली थी और एक महीना हो गया है मुझे खेलते खेलते, तब जाके मैं एक गाड़ी खरीदने के लायक पॉइंट्स कमा पाया हूँ। भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो आज वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा मैं। लेकिन अभी खैर यहाँ पे देख सकते हो भाई, बस एक रेस पार करने के मेरे को 50 कॉइंस मिले हैं। भाई बहुत ही कम कॉइंस मिलते हैं, लेकिन जल्दी से आ जाओ। यहाँ पे मैंने एक और रेस स्टार्ट कर दी और भाई इसमें क्या ही ग्राफिक्स लग रहे हैं यार, ये वाला मैं मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे ये वाली गाड़ी आप लोगों को याद होगा, शुरुआत से मैं इसी गाड़ी से गाड़ी को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज हम इसको अपग्रेड क्या बोलूँ मैं, आज हम दूसरी गाड़ी परचेज करने वाले हैं। तो गाइस लास्ट तक वीडियो जरूर से देखना, लेकिन अभी इसको जल्दी से हम रेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे तुम्हारा भाई अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे मेरे को चेस करना, भाई क्या ही गाड़ी उड़ाई उस बंदे ने। लेकिन यहाँ अभी मेरे को यहाँ पे इन लोगों को चेस करना पड़ेगा। वेट अ मिनट, अभी मैं थर्ड पोजीशन पे हूँ और 60% रेस कंप्लीट भी हो चुके हैं। भाई बहुत ही छोटी छोटी रेसेस आ रही हैं, पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी रेसेस क्या रह नहीं है क्या। लेकिन यहाँ पे ऊपर से जेट उड़ के गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रेस खत्म होने वाली है। ओके मैं फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका हूँ और ये रेस भी तुम्हारा भाई फर्स्ट पोजीशन पे कंप्लीट कर चुका है। भाई ऑलवेज फर्स्ट का टैग मेरे को मिलता रहता है, ये तो मतलब सेकंड तो भूल ही जाओ, ऑलवेज फर्स्ट का टैग मेरे को मिलता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे ये रेस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रिवाइंड वगैरह करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। पूरी रेस आप लोग रिकॉर्ड करके देख सकते हो जहाँ भी आपने गलती वगैरह की हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा भाई जीत चुका है और भाई देखो कितने कम कॉइन्स मिलते हैं यार इस गेम में, यही दिक्कत है बस। और यहाँ पे मुझे कूपन्स मिले हैं, इनको भी जल्दी से स्क्रैच कर लेते हैं। ओके कूपन से थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वैसे बहुत ही कम कॉइन्स मिलते हैं और ये ऐड वगैरह मैं देखता नहीं हूँ, तो इसको हटा देते हैं। ओके तो यहाँ पे मैंने एक और रेस लगा दी है। भाई इस गेम की रेस भी बहुत ही छोटी छोटी है, क्या ही करूँ, इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है ना कि पता ही नहीं चल पा रहा। लेकिन यहाँ पे जल्दी से एक और रेस तुम्हारे भाई ने लगा दी, इसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम नई गाड़ी को परचेज करेंगे। यार कोई बात नहीं, ठुक गया तो यहाँ पे रिवाइंड करने का ऑप्शन भी है, टेंशन मत लो यार। ये चीज़ सही लगी मेरे को बहुत ज़्यादा, रिवाइंड करने का ऑप्शन है ना, ये बहुत ही ठीक लगा। लेकिन यहाँ पे जल्दी से सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा पीछे हो चुके हैं टूटने की वजह से, तो तुम्हारे भाई को थोड़ा सा मेरे को चेस करने दो। ओके भाई बंदे बहुत ही सही चला रहे हैं वैसे वो वाले, अबे यार फिर से टूट गया मैं। अरे यार क्या बोलूँ यार, दिमाग ख़राब है इसी चीज़ भाई, बहुत ही मोड़ में आ रहे हैं इस रास्ते में, तो पता भी नहीं चल रहा कब ट्रक वगैरह आ रहे हैं कब नहीं। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा भाई अभी भी सेकंड पोजीशन पे, मुझे बस एक बंदे को पीछे छोड़ना है। रुको अभी मैं इसको पीछे छोड़ता हूँ, थोड़ा सा ही टाइम और बस। लेकिन यहाँ पे 60-70% रेस कंप्लीट हो चुकी है। भाई रेसेस बहुत छोटी आ रही है, मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा भाई फर्स्ट आ चुका है, अभी बस मेरे को जीतना और है 90%, 92। ओके यहाँ पे ये हम जीत चुके हैं इस रेस को भी भाई, ऑलवेज फर्स्ट, देखा ना ऑलवेज फर्स्ट का टैग तो तुम्हारे भाई को मिलता रहता है, इसकी तो तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है। लेकिन अभी जल्दी से इसको भी एग्जिट मारते हैं, देखते हैं ना हमको दोबारा से कितने कॉइन्स मिले हैं। भाई कॉइन्स की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन यहाँ पे हमको और कॉइन्स मिल चुके हैं भाई, इस बार ज़्यादा कॉइन्स मिले, ये ठीक था। और गाइस मैं वापस आ चुका हूँ अपने गैराज में, आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग डेली एक सुपर कार से अपनी रेस कर सकते हो और यहाँ पे आप लोगों को 3 रेस डेली मिलते हैं, 3 कंप्लीट करने के बाद आपको 24 घंटे वेट करना पड़ता है। इसमें यार गोल्ड कॉइन्स कमाना बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब गोल्ड कॉइन्स कमाने में। लेकिन तुम्हारे भाई ने यहाँ पे 4,500 गोल्ड कॉइन्स कमा लिए, गोल्ड कॉइन्स ही बोलेंगे वैसे तो इनको। लेकिन आज 4,500 यहाँ पे मैं कमा चुका हूँ, तो अब मैं एक नई गाड़ी परचेज करता हूँ। भाई देखो सारी की सारी रेस मैं सी क्लास वाली गाड़ी से कंप्लीट कर चुका हूँ इन गोल्ड कॉइन्स के चक्कर में, भाई इसीलिए मेरे को पूरा का पूरा एक मंथ लग गया इनको कलेक्ट करने में। अभी मेरे को एक बी क्लास और एक क्लास की गाड़ी और अनलॉक करनी है, फिर मेरे को और गोल्ड कॉइन्स अच्छे से मिल जाएंगे, क्योंकि दोबारा से रेस खेलते हो तो ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स नहीं मिलते हैं। लेकिन गाइस आज हम एक नई गाड़ी परचेस करने वाले हैं, जल्दी से उसको भी परचेस कर लेते हैं। ओके ये मैं आ चुका हूँ और दिखा देता हूँ आप लोगों को कौन सी गाड़ी मैं परचेस करने वाला हूँ आज। वेट अ मिनट, कहाँ गई भाई वो गाड़ी? ओके गाइस तो वो गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है और आज हम परचेस करने वाले इस वाली GTR को, जैसा कि आप लोग अभी यार ये ब्लैक स्क्रीन की हो जाती है यहाँ पे यार, ये चीज़ मेरे को बेकार लगती है, इसमें ग्लिचेस भी है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो भाई ये वाली GTR आज मैं परचेस करने वाला हूँ, भाई कितनी औसम लगती है। तो शुरुआत से मेरी इस पर नज़र थी, शुरुआत से तुम्हारे भाई ने इस पर नज़र मार दी, ये चाहिए
कैसे भी करके। लेकिन यहाँ पे आज हम इसको परचेस करने वाले हैं भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इससे हम रेस वगैरह भी खेलेंगे। और यहाँ पे देखो मेरा बंदा भी एकदम पंप अप हो चुका है एकदम कि आज हम ये गाड़ी परचेस करने वाले हैं। बंदे भी नाचने सा लग गया है, लेकिन यहाँ पे जल्दी से इसको परचेस करते हैं। 1, 2, 3 और यहाँ पे मैं इसको परचेस कर चुका हूँ गाइस। फाइनली तुम्हारे भाई के पास एक और गाड़ी आ चुकी है, सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ वैसे मेरे पास इसमें, क्योंकि इसमें भैया गाड़ियाँ निकालना बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो लुक मेरी GTR का, जो कि मैंने परचेस कर लिया रैली उड़ा था भाई, मेरे को सच में मन नहीं करता इस गेम को खेलने का, लेकिन फिर भी कॉन्टेंट के लिए करना पड़ता है। तो हाँ अभी मैंने इसको खेल के भाई, मैं अगर कॉन्टेंट के लिए ना खेलता ना तो मैं इस गेम को खेलना छोड़ ही देता, सच बता रहा। गोल कमाना बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, बंदा भी एकदम खुश हो चुका है मेरा भाई, बहुत ज़्यादा पंप अप हो चुका है कि क्या मस्त गाड़ी खरीद के दे दी अब तो मुझे। लेकिन हाँ गाइस आ जाओ जल्दी से, हम इससे रेस वगैरह करो। रेस करने से पहले मैं इसको ट्यून कर लेता हूँ पूरा, यहाँ पे पूरा का पूरा मैक्स आउट ट्यून कर लेते हैं इसको, फिर रेस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ से आप लोग इसको ट्यून कर सकते हो पूरा का पूरा गाड़ी को, और ज़्यादा कॉइंट्स नहीं लगते, 1 पॉइंट लगता है पर ट्यून पे, तो ये चीज़ अच्छी है। 1 पॉइंट से पूरी ट्यून हो जाती है गाड़ी, तो ज़्यादा कॉइंट्स भी नहीं लगते। लेकिन यहाँ पे मैं फुल्ली ट्यून, अबे यार मैंने गलती कर दी, पहले मेरे को स्टॉक में रेस खेलनी चाहिए थी, तब जाके पता चलता ना कि ट्यून करने के बाद कितनी स्पीड बढ़ी है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, आ जाओ जल्दी से इससे रेस वगैरह भी खेलते हैं। अब हमने ट्यून कर लिया तो अब क्या ही कर सकते हैं, तो आ जाओ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी पहली रेस आ चुकी है हमारी GTR के साथ, और मेरे बगल में भी एक GTR है, और मेरे आगे ये कौन सी गाड़ी है, AMG GT है क्या शायद। ये स्टार्ट भी होगी यार, मुझे तो पता भी नहीं चला, मैंने यहाँ पे बाद में स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा भाई बहुत पीछे रह चुका है, मुझे इनको चेस करना पड़ेगा। क्या लगता है गाइस, क्या मैं इनको चेस कर पाऊंगा, कौन सी पोजीशन तुम्हारे भाई की आने वाली है, क्या लगता है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे मुझे ढंग से निकलना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन पे मैं आ चुका हूँ इजीली, और 200 मेरी गाड़ी क्रॉस कर चुकी है फोर्थ गियर पे भाई, 300 भी क्रॉस कर जाएगी इजीली भाई। ट्यून कर रखी है फुल्ली मैक्स ट्यून, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे मेरे बगल में ऑडी वाला बंदा था, अभी मेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसको आगे निकलने नहीं दूंगा। थोड़ा सा मुझे ढंग से खेलना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये वाला रेस ना, ये 30 पोजीशन भाई, ये वाली रेस थोड़ी सी बड़ी है, जैसा अभी लैब वाली रेस है इसलिए थोड़ी सी बड़ी है, तभी मैं सोचूं इस गेम में इतनी, मतलब वैसी वाली रेसेस होती है ना अभी तक तो ख़त्म हो चुकी होती, इसीलिए ये गेम मेरे को बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं इस गेम के बारे में, मेरा खेलने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी कॉन्टेंट के लिए खेलना पड़ रहा मेरे को। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा भाई आराम से खेल रहा है इसको, जैसा कि आप लोग देख सकते हो रेस फर्स्ट पोजिशन पर तुम्हारा भाई आ चुका है 50%। भाई मेरे को लगा था यार ये वाला खंबा टूट जाएगा, क्या मुझे नहीं पता था कि इससे टूटने से, मैं खैर छोड़ो अभी मुझे फोकस करने दो, इसको फर्स्ट पोजीशन पे जीतना है। यहाँ पे फर्स्ट पे तो मैं अभी भी चल रहा हूँ, 60% रेस कंप्लीट हो चुकी है, तीन लैप है मेरे हिसाब से, 3 लैप है इसमें, सेकंड लैप मैं कर चुका हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे ये लास्ट लैप और है, और ये मेरी गाड़ी फिर से 250 पहुँच चुकी है, 300 ये अभी तक टच नहीं किया, क्योंकि भाई मोड़ मार बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि 300 ऐसे टच नहीं करेगी, 300 जैसे ही टच करने वाली आती है कोई ना कोई मोड़ आ जाए, इसीलिए दिक्कत हो जाएगा इस। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा भाई जीतने वाला है, 92% प्रोग्रेस हो चुका है, 94, 95, और यहाँ पे लास्ट आने वाला है, इस रेस को भी हम जीत चुके हैं फिफ्थ गियर पे भाई, तुम्हारा भाई इसको जीत चुका है इजीली, ऑलवेज फर्स्ट फिर से यार। इस गेम में ना ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, एक भी रेस में अभी तक हारा नहीं हूँ, हमेशा फर्स्ट ही आता हूँ। लेकिन यहाँ पे जल्दी से एग्जिट मारो इसको, क्या ही देखें हम। लेकिन गाइस अभी देखते हैं यहाँ पे कितना हमको रिवार्ड मिलने वाला है ए क्लास की गाड़ी से, है बस 59 ही मिला है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे कूपन्स मिले हैं, कूपन्स में देखते हैं क्या आया यार, 5 पॉइंट। ओके कोई बात नहीं, दूसरे में 70 पॉइंट मिल जाएंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है वैसे। लेकिन आ जाओ जल्दी से एग्जिट मारते हैं। ओके गाइस तो आ जाओ यहाँ पे एक लास्ट रेस भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली है ड्रिफ्ट वाली रेस, और तुम्हें भाई मेरे को इस गेम की ड्रिफ्ट मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम्हारा भाई फिर भी इसको ट्राई करेगा इस वाली गाड़ी से, क्योंकि नई गाड़ी परचेस की है, तो इससे हम दोनों ट्राई करेंगे ड्रिफ्ट रेस और नॉर्मल रेस भी। भाई इस गेम की ड्रिफ्ट रेस मेरे को बिल्कुल घटिया लगती है, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं कुछ प्रोग्रेस ही कर पाए तो। यार मेरे को यार इसकी ड्रिफ्ट रेसिंग ही नहीं समझ आती, देखो मेरे को इस गेम की ड्रिफ्टिंग ही नहीं समझ आती बिल्कुल, क्या ही बताऊँ मैं, कैसे होती है कैसे नहीं होती है, ब्रेक दबाऊँ फिर भी नहीं समझ आती भाई, क्या ही ठुकराऊँ मैं तो भाई, धब्बा हूँ सच बताऊँ तो इस गेम में ड्रिफ्टिंग के नाम पर धब्बा हूँ मैं तो। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, तुम्हारा भाई हार मानने वालों में से तो नहीं है, फर्स्ट पोजिशन तो लाने के अब ट्राई करेंगे इस ड्रिफ्टिंग में, देखते हैं गाइस कितना हम पहुँच पाते हैं। ओके तो यहाँ पे ऊपर 2x 3x हो चुका है, ये मैं समझ गया, जैसे ही यहाँ पे ये 2x हो जाता है ना तो हमारे ड्रिफ्ट पॉइंट्स डबल हो जाते हैं, और जैसे ही 3x हो जाता है तो हमारे ड्रिफ्ट पॉइंट ट्रिपल हो जाते हैं, तो ये मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके मैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिफ्ट पॉइंट कमा पाऊँगा इसमें। लेकिन फिर भी वेट अ मिनट, अबे यार ये चीज़ मेरे को सबसे घटिया लगती है इस गेम में ना, एक तो इतनी पतली पतली सी गली है, और ऊपर से ड्रिफ्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं है ना, देखो मैं नहीं खाऊंगा भाई क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई सेकंड पोजीशन तो आ चुका है, फर्स्ट पोजीशन और आ रहा है मुझे, 4x ले जा चुका हूँ मैं, 4x से थोड़ा सा और ज़्यादा लेके आना है बस।
ओके गाइस, फर्स्ट पोजीशन पे हम आ चुके हैं, अभी भी हम कर सकते हैं, टेंशन मत लो, बस मुझे मेंटेन करके रखना है फर्स्ट पोजीशन। भाई यार ये ड्रिफ्ट ही नहीं मारती ना कभी, देखो भाई अब तो ड्रिफ्ट ही नहीं मार रही बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं, ब्रेक लगा लो कुछ भी लगा लो ड्रिफ्ट मारती नहीं है गाड़ी, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे, बस जीतने को लास्ट आ चुका है। ओके और यहाँ पे तुम्हारा भाई फर्स्ट पोजीशन पे जीत चुका है फाइनली। भाई मुझे तो मेरी ड्रिफ्टिंग ऐसी ना, इसमें लगता ही नहीं है ना फर्स्ट पोजीशन पे जीतूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई फर्स्ट पोजीशन पे जीत चुका है। भाई मज़ा आ गया, सच बता रहा हूँ मज़ा आ गया एकदम, मतलब आज हमने एक GTR भी निकाल ली और इतनी सारी रेसेस भी कंप्लीट कर ली और उन सब रेसेस में हम फर्स्ट आए, तो भाई इसलिए बहुत ही मज़ा आ गया। लेकिन गाइस मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए कैसे लगे, चले तो वीडियो करना लाइक चैनल सब्सक्राइब, और भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है सच में वीडियो को बनाने में, मतलब पूरा एक मंथ लग गया इस गेम को खेलते खेलते, तब जाकर मैं इसको अनलॉक कर पाया हूँ, तो हाँ इतनी मेहनत की है, तो आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो, आप लोगों के लिए एक लाइक करना बहुत ही ईजी होगा लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, तो आप लोग को लाइक जरूर से करना, और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना, और अभी खेल में जाने का टाइम हो चुका है, तो इस बार बनाएगा वो अभी से फैला दे रही है, राधे राधे गाइस और गुड बाय।